फ्रेंड्स, मैं इस बार जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है एप्पल के वेबसाइट से मैकओएस कैटलिना को डाउनलोड करना और उसको बूटेबल में यूएसबी बूटेबल में कन्वर्ट करना। तो देखिए कैसे। पहले इसको सर्च करना है, मैंने पहले ही सर्च करके रखा था ताकि कोई तकलीफ ना हो। तो मैकओएस कैटलिना बूटेबल, ठीक है, वो यही वेबसाइट, वो एप्पल का ही वेबसाइट है, उसमें क्लिक कीजिए। और यहाँ लिखा है, देखिए, डाउनलोड मैकओएस। कौन सा मैकओएस आपको ज़रूरी है डाउनलोड करना कि आपको बूटेबल बनाना है? तो बिग सूट तो मैंने बोला था पहले कि ये मेरा जो लैपटॉप है मैकबुक प्रो बहुत पुराना है, 8-9 साल का पुराना है, तो उसमें बिग सूट कंफर्टेबल नहीं है। तो इसलिए मुझे जो लास्ट कंफर्टेबल ओएस है तो वो है मैकओएस कैटलिना। तो मुझे अभी ये मैकओएस कैटलिना को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसमें क्लिक करते हैं। तो देखिए ये जो अभी वो डायरेक्ट एप्पल आईडी से कनेक्ट है, ऑलरेडी लॉगिंग है, और उसमें देखिए मैकओएस कैटलिना आ गया है, उसको जस्ट गेट करना है। अगर आपका लॉगिंग नहीं है, एप्पल आईडी अभी से बनाया नहीं, तो एप्पल आईडी बनाना पड़ेगा और उसको एप्पल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा आपको जो ये मैक ऐप है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये डाउनलोड ऑप्शन आएगा, आने के बाद वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वो तो कुछ देर टाइम लगेगा, 8 GB है, तो उतना टाइम मैं ये वीडियो पॉज करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगा ये कैसे इंस्टॉल करें। ओके, अभी आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड का जो वीडियो है मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया और जितना जल्दी हो सके इसको इंस्टॉलेशन का स्क्रीन आपको दिखाना है कैसे होता है। मेरा ये कंप्यूटर में तो अभी कैटलिना इंस्टॉल ही है, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। और ये जो मैकओएस कैटलिना है, तो इसको अगर मैं ये बूटेबल बनाना चाहे तो इसको बूटेबल बना के इसका जो फाइल 8 GB का मेरा वो हार्ड डिस्क में है कि इस हार्ड डिस्क में एप्लीकेशन के अंदर है इसमें, तो मैकओएस कैटलिना का ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं डाउनलोड जो हुआ उसको मैं डिलीट कर दूंगा वो स्पेस बचाने के लिए। अभी फ़िलहाल तो मुझे इसको रखना पड़ेगा। तो देखिए ये आया है, मेरा ये जो कैटलिना डाउनलोड किया उसका इंस्टॉलेशन स्क्रीन ऑटोमेटिक आ गया है। तो अभी तो इसको मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ऐसा आता है। अगर चाहे तो मेरा इसको मैं कंटिन्यू करके अपग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अपग्रेड मेरा है तो कुछ ज़रूरी नहीं इसको अपग्रेड करना। तो इसको फ्रेश इंस्टॉल करने के लिए, बूटेबल डिस्क बनाने के लिए, देखिए ये यहीं पे है वो। और एक बार स्क्रीन में है तो ठीक है। तो अभी देखते हैं ये कहाँ है, ये देखिए ये इसका लोकेशन कहाँ है, डाउनलोड होके ये कहाँ पर है इसको लोकेशन मैं दिखाता हूँ आपको। जो बहुत यूज़र का ये क्वेश्चन रहता है ये कहाँ इंस्टॉल है रहते हैं, ये देखिए एप्लीकेशन के अंदर, ये जो इतना एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई भी एक फाइल होगा जो अभी इंस्टॉल हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इसका आइकॉन थोड़ा बड़ा करने से शायद मुझे दिखाई देगा, ठीक है, देखते हैं। देखिए यही, देखिए ये है इंस्टॉल्ड मैकओएस कैटलिना। ये जो फाइल मैं इसको कॉपी करके मेरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में अभी रख लेता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में अगर मेरा ज़रूरत पड़े यूएसबी बनाने के लिए, मेरा और कोई मेरा दोस्त के लिए और किसी के भी लिए भी, मेरे भी लिए, तो इसको हम कॉपी करके रख देते हैं, क्योंकि इसको बार बार वो डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम भी लगता है।
वो टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी करके रख देते हैं। ठीक है, ये वीडियो भी मैंने थोड़ा स्पीड से दिखाया आपको, तो हो गया यहाँ कॉपी। तो अभी क्या करना है, ये मेरा फ्यूचर के लिए है। ठीक है, तो अभी जो इंस्टॉलेशन है इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, और उसके बाद यूएसबी बूटेबल होने के बाद इसको मैं डिलीट कर दूँगा, मेरा हार्ड डिस्क का स्पेस बच जाएगा, क्योंकि मैंने तो कॉपी करके रखा है ना, अगर लगे ज़रूरत लगे तो वहाँ से ले लूँगा। तो अभी मैं ये क्विट करता हूँ, करके दिखाता हूँ कैटलिना मैं यूएसबी बूटेबल कैसे बनाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए मेरा ऐसा कुछ वीडियो जो आपका शायद अच्छा लगेगा।